हमारा बॉन्ड भी इस तरह से बन चुका है कि अब वी वी फील रियल लाइफ में भी हम वैसे ही ब्रदर्स ही हैं yeah. हाँ हाँ yeah. बिल्कुल सब याद आ रहा है सारी मेमोरीज yeah. yeah. वापस रिविजिट कर पा रहा हूँ ऑब्वियसली मिस कर रहा हूँ सुमित को ही नहीं मल्लिका को मिस कर रहा हूँ उसको शो अच्छा लग रहा था लुक अच्छा लग रहा था एंड ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग नहीं और मुझे काफ़ी उसने प्रेस किया रोज उठ के श्रीराम बन जाना ये ऐसे सुनने में लगता है कि पहुंच चुका है उमरगांव और हमारे साथ हैं आप सभी के चहते राम और लक्ष्मण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो धन्यवाद जय श्री राम जय श्री राम सबसे पहले बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इस अवतार में सब आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं अपना ये राम राम लक्ष्मण के अवतार से अलग ये जो अपना नॉर्मल हाँ आज हमारा जो इतना हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल जो चल रहा है उससे टाइम निकाल कर हमने इस ये इवेंट के लिए ड्रेसअप किया है कुर्ता पैजामा और बहुत ही लाइट लग रहा है हमको और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रोज़ हम जो ज्वेलरी और ये वेक पहन कर जो रहते हैं उससे हटके हमने आज ड्रेसअप किया है तो बहुत ही थोड़ा कैजुअल माहौल है यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है हाँ वही सेम ही है भैया भाई, तो कुछ गलत बोलते ही नहीं है अभी भी आप किरदार हाँ आई नो मतलब हमारा बॉन्ड भी इस तरह से बन चुका है कि हाँ। अब वी वी फील रियल लाइफ में भी हम वैसे ही ब्रदर्स ही हैं हाँ। तो बाकी दिनों से तो आज अच्छा लगना ही है क्योंकि विग और ये सब चीज़ें संभालना बहुत केयर करनी पड़ती है उस चीज़ के दिन भर आज थोड़ा उस चीज़ का टेंशन नहीं है चलिए ये तो आपका घर ही है मतलब एक तरह से कहा जाए वापस घर पे ही आए हैं तो याद आ रहा है बलराम जी आपको हाँ हाँ बिल्कुल सब याद आ रहा है सारी मेमोरीज <laughs> वापस रिविजिट कर पा रहा हूँ हाँ। सब कुछ सेम ही से... है सिर्फ एक्टर्स अलग हैं टीम भी लगभग सेम ही है पर एक्टर्स भी जो अलग हैं वो उतने ही क्लोज हो गए हैं जितने <laughs> उस शो में थे तो घर जैसा ही है यस यूर राइट सुमित को मिस कर रहे हैं आप ऑब्वियसली मिस कर रहा, रहा हूँ सुमित को ही नहीं मल्लिका को मिस कर रहा हूँ सारे जितने को एक्टर्स थे पूरी टीम थी सबको ही मिस कर रहा हूँ बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ पर हैं भी एक्ट्रेस के अलावा तो काफ़ी बातें भी होती रहती है सेट पे लोग पूछते रहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं तो यस अभी हमारी कली मलिका से मुलाकात हुई हम मैंने बोला कि मैं उमर गाँव जा रहा हूँ बहुत एक्साइटेड उनके आंखों में चमक आ गई सुबह से बात होती है क्या कर रहे हैं कहाँ हैं क्या कुछ बातें होती हैं आपके किरदार लेकर क्या बातें हुई हैं Uh, हाँ ज़्यादा बातें नहीं हो पाती क्योंकि वो भी काफ़ी बिजी है और uh, मेरा भी यहाँ पर जो शेड्यूल है आज आप हमें ऐसे फ्री देख रहे हैं नहीं तो हम मोस्टली wow. पूरे टाइम सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते लेकिन हाँ जब भी बात हुई है तो हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा विश किया है और एक दूसरे की केयर की के है हम बीच बीच में बातें करते रहते हैं तो हाँ कैरेक्टर से रिलेटेड सिर्फ ये बात हुई थी कि उसको शो अच्छा लग रहा था लुक अच्छा लग रहा था एंड ही वॉज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी और मुझे काफ़ी उसने प्रेस किया परफॉर्मेंस के लिए चलिए राम यू you नो know, ये एक ऐसा नाम है मतलब हर हर लोगों के दिल में रहते हैं इतना बड़ा किरदार आप कर रहे हैं सबसे पहले बताइए पर्सनल भी आप कुछ फील करते हैं जब आप राम के गेटअप में आते हैं अंदर से एक डिवाइन पावर आता है कि नहीं सच में कि ये राम मैं अब तक मैं जब से रामायण के जो मेरा अब तक की जो जर्नी रही है ना मैं बता नहीं सकता कि चीज़ें कैसे मेरे लिए अनफोल्ड हुई हैं बहुत ज़्यादा एक तो सबसे पहले जब मुझे पता चला कि ना कि मैं श्री राम प्ले कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कई बार आम की कृपा एब्सोल्यूटली ये उन्हीं की ब्लेसिंग है और उस जिसकी वजह से मैं आज श्री राम का किरदार निभा पा रहा हूँ और रही इसको निभाने की रोज़ रोज़ उठ के श्री राम बन जाना ये ऐसे सुनने में लगता है कि शायद बहुत ईजी होगा लेकिन बहुत मुश्किल होता है तो वो रोज़ उठ के वहाँ पर जाना सेट पे श्रीराम राम बन के वही सहजता के साथ वही करुणा भाव के साथ उसको परफॉर्म करना ये अपने आप में चैलेंज है लेकिन इसको करने में इतना अच्छा लगता है इतना मज़ा आता है और अब जब हमको लोगों का प्यार मिलने लगा है लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि एज़ श्री राम एज़ लक्ष्मण तो वो ऐसा लगता है कि जितना हार्डवर्क हमने डाला है इसमें उसका रिज़ल्ट हमको वापस मिला है तो बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है जैसे मैंने पहले कहा जब लोग आप लोग इस तरह का कुछ किरदार आप अपने ऊपर लाते हो या उनके किरदार में आप ढल जाते हो एक अलग से पावर आती है मतलब हमने सुमेध से बोला सुमेत भी अलग ही जोन में जाते थे आप लोग भी एक अलग जोन में जाते थे वो कैसा फीलिंग होता है मतलब जब तक किरदार में रहते हो तब तक वो अलग ही आप दुनिया में रहते हो या अलग ही विचार अलग ही स्वभाव जैसा इन्होंने बोला अभी हिंदी बहुत शुद्ध बोला इन्होंने <laughs> देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि जनरली लोगों को ऐसा दिखता है या बाहर से आप जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि हमने क्या किरदार को चुना है लेकिन मेरी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि हम किसी को कुछ चूज नहीं कर सकते ये वो किरदार होता है जो चूज़ करता है एक्टर अपने लिए तो एक्टर किरदार नहीं चूज़ करता किरदार अपने लिए एक्टर चूज़ करता है कि कौन उसको सही से कर पाएगा तो मुझे लगता है कि ये हम ब्लेसडी हैं कि श्री राम ने इनको चुना है और श्री लक्ष्मण ने मुझे चुना है और मतलब हमारी कास्ट जितनी है सब वो उसी हिसाब से ही हुआ है और यू आर राइट कि डेली लाइफ में भी हम वो चेंजेस फील कर पाते हैं क्योंकि लक्ष्मण का किरदार प्ले करना और लक्ष्मण हो जाना दो अलग बातें हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए सही वो किरदार प्ले करते हुए आप उस चीज को फील कर सकते हो कि कैसा वो जीवन रहा होगा exactly. मेरा भाई सवाल था चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम यू you नो know, वो ऐसी छवि मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता वो फील अंदर लाना और जैसे आपने कहा आपके मुंह से वो शब्द भी निकले कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी के शुद्ध शब्द निकले हैं तो वो अंदर से आ रहा है सब कुछ फील हो रहा है ये चल रहा है पूरा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और जैसे जैसे हम शूटिंग करते हैं और जैसे जैसे हम कहानी पढ़ते हैं और जैसे जैसे, जैसे हम डायलॉग्स पढ़ते हैं हमको मुझे ये फील होता है कि उनकी जो महानता है श्री राम की क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्यों उन्हें लोग उन्हें पूछते मतलब श्री राम कोई मुझे लगता है भगवान नहीं वो इमोशन ही है हर हर इंसान के दिल में बसते हैं वो और इतने जुड़े हुए हर किसी से जैसे हर किसी के दिमाग में अपने अपने श्री राम है ना अपने अपने राम हम बोलते हैं तो वो ये शो करते वक्त ये यहाँ पर काम करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों इतने महा इतना महान उन्हें कहा जाता है क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो बहुत स्पेशल फीलिंग है ये वे वर्ड्स में बताना भी मुश्किल है सकते समझ सकते हैं एक और चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी आप इस तरह का आप तो इतने सालों से कर रहे हो इस तरह का जब आप किरदार चाहे माइथो या हिस्टोरिकल कुछ भी आप करते रहते हो तो एक टाइप कास्ट लग जाता है राइट लोग उसी तरह का किरदार आपको अप्रोच करते हैं उसी तरह चीज़ें हमेशा आपके पास ऑफ़र आने लगते हैं इस बात को मानते हैं देखिए मेरे मानने ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी जो भी सच्चाई है अगर वो वैसा ही है तो भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा काम एज एन एक्टर एक्ट करना है अब मुझे जो किरदार ऑफर हुआ है उसको पूरी हंड्रेड परसेंट अटै मैं समझता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन एक्टर हैं ये हम जानते हैं बट आपके अंदर भी एक वो होता अलग या एक ड्रीम होता नहीं मुझे इससे हट के इस इमेज को तोड़ के एक अलग किरदार निभाना बट ऑफर हमेशा ऐसे ही आ जाते हैं तो ये होता है तो अभी लाइफ खत्म थोड़ी हो गई है 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 ये ये अच्छी बात है। ये बहुत नसीब हाँ, बिल्कुल अभी जो है, अभी जो उसको एंजॉय करूंगा नहीं तो सिर्फ आगे की सोचता रहूंगा तो फिर तो टेंशन में ही रहूंगा फिर हमने सीखा क्या लक्ष्मण से या राम से कहना तो यही है ना कि आज में जियो अभी मैं जियो अभी जो है उसको एंजॉय करो आगे का जो होगा वो आ जाएगा ये दिलाया जिसने ये दिलाया वो वो भी दिला दे वो बात सही है सिर्फ टाइपकास्ट की बात इसलिए रहा करो क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ने कहा है कि मैं ये किरदार नहीं करना चाहता क्योंकि हमेशा ऐसे ही ऑफर आना शुरू हो जाते हैं लाइक like दैट वो वो मुझे लगता है कि हर किरदार के साथ होगा अगर मैं आज श्रीराम कर रहा हूँ उसके बाद अगर टाइप होने के रिस्क पे हूँ वो किसी और कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि ये किसी भी एक्टर को सोच के ना परेशान उतना नहीं होना चाहिए बिकॉज ये चैलेंज है जो हर एक्टर फेस करता है अपने लाइफ में और कुछ समय लगता है ये बात सही कि कुछ समय लगता है उससे बाहर आने में लेकिन वो एक एक्टर की कैपेबिलिटी पे उसके स्किल पे भी डिपेंड करता है वो कितना काम कर रहा है अपने ऊपर और वो अगर वो उतना स्किलफुल है तो वो कुछ समय बाद उस इमेज को तोड़ के बाहर आकर दूसरे किरदार भी निभाएगा बहुत अच्छे से वही मैं पूछना चाहता क्योंकि आपने इतना पावरफुल किरदार बलराम का निभाया है तो अभी लक्ष्मण का किरदार है राइट तो अभी उस इमेज को तोड़ना क्योंकि बल आपको हमेशा बहुत प्यार मिला है बलराम के रूप में उस बलराम को इमेज के तोड़ के फिर लक्ष्मण का इमेज जो बनाना ये मुश्किल होता है हाँ टेंशन तो थी काफ़ी शुरू में मैं सच में इस चीज़ को लेकर के बहुत टाइम तक सोच में भी था कि किस तरह से ये किया जाए क्योंकि एज एन एक्टर आप जो भी करोगे कहीं ना कहीं लोगों को झलक दिखी जाएगी आपके प्रीवियस कैरेक्टर की तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं कुछ भी करके बलराम ना दिखूँ लक्ष्मण दिखूँ और आई थिंक मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ जितने अभी तक रिव्यूज़ आए हैं जो भी लोगों ने बताया है देख करके तो किसी को ऐसा लगा नहीं कि मैं अभी भी लक्ष्मण नहीं और बलराम प्ले करूँ तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुश्किल होता है येस मुश्किल डेफिनेटली होता है इसकी तैयारी भी अलग होती है प्रिपरेशन अलग होती है पूरा माइंडसेट ही अलग होता है आपके डायलॉग आपके भूसा सब कुछ चेंज करना होता येस यस हर चीज़ और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंड जब आप बलराम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो बलराम की लाइफ बलराम का जीवन आपने एक्सेप्ट किया है

उसको निभाना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है प्लस हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारी ऑडियंस है सबके दिमाग में अपनी अपनी इमेज है श्रीराम को लेके प्लस पहले भी बहुत अच्छी अच्छी रामायण बन चुकी है हमारे टेलीविजन में एक से एक एक्टर्स ने आज भी, जहन। आज भी जहन में है बिल्कुल और बहुत सारे एक्टर्स ने श्रीराम का निभा और बहुत ही अच्छे से निभाए तो वो एक प्रेशर डेफिनेटली जब आप आते हैं हाँ बिल्कुल आप जब बोर्ड पे आते हैं तो आपको वो प्रेशर फील होता है कि आपके कम्पेरिजन्स होंगे प्लस आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके चैनल टीम है उन्होंने आप पे इतना विश्वास दिखाया कि आप ये कर सकते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन्स पर भी आपको खड़े उतरना है तो वो प्रेशर डेफिनेटली था पर अगेन वो टाइम के साथ धीरे धीरे करते 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 वो आप सुर पकड़ लेते हो और वो आ जाता है नहीं मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनके अंदर सच में राम की क्वालिटीज़ <laughs> हैं रियल लाइफ में भी हैं और कोई डाउट नहीं है इस बात पे कि ये राम का किरदार प्ले कर रहे हैं मतलब शुरू में जब मैं इनको नहीं जानता था तो तब तो कुछ पता ही नहीं था लेकिन जैसे जैसे मैं इनको जाना तो मुझे ये चीज लगी है कि हाँ लक्ष्मण से कम नहीं होगी हमने भी आपको देखा आपकी भाईचारा देखा है पर सही आपने। <laughs> सही कहा कहा बिल्कुल मतलब इनके अंदर लक्ष्मण शेषनाग हुए इनके अंदर <laughs> <laughs> ये बहुत अच्छी बात है एज एक्टर जानना चाहेंगे हर जैसे मैंने पहले भी कहा हर एक्टर का ड्रीम रोल होता है लाइक मुझे ऐसा कुछ करना है लाइफ में आप दोनों से आपके ड्रीम रोल के बारे में जानना चाहें क्या है मेरा ड्रीम रोल क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव फिक्शन और क्राइम फिक्शन मैंने मैंने बहुत पढ़ा है एगता क्रिस्टी के नॉवेल्स शर्लॉक होम्स और व्योमकेश बख्शी तो मेरा एक ड्रीम रोल है कि मैं एक डिटेक्टिव प्ले करना चाहता हूँ जो कि बहुत शार्प है ऐसे डिटेक्टिव प्ले करना चाहता हूँ मेरा भी सिमिलर है लेकिन अब कोई डिफरेंट आंसर देना है तो मे बी आई वुड लाइक टू प्ले अ सुपर हीरो Nice. सुपर कैरेक्टर प्ले करना लास्टली uh, राम और लक्ष्मण की तरह अपने जो फैंस हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप मैं बस अपने व्यूवर्स uh, से ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि जितना प्यार आप हमारे शो को देते आए बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और श्रीमद् रामायण को देखते रहिए <laughs> मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री राम का जीवन अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी सीख है hmm. तो उस सीख को अपने जीवन में लाइए सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह इस शो को मत देखिए इस कैरेक्टर से इस कहानी से बहुत कुछ सीखिए क्योंकि ये शायद आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है इनफैक्ट मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो सब कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब हैं और, और हमेशा रहेंगे उनसे वो जुड़ाव कभी जा नहीं सकता हाँ बलराम इसीलिए स्पेशल है क्योंकि बलराम में लोगों का इतना प्यार मिला इतना एक्सेप्टेंस मिला और मेरे लिए पर्सनली वो रोल इतना वाइब्रेंट था बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ड्रीम रोल हो तो अगर मैं ये किसी और को प्ले करते हुए देखता इस तरह से तो शायद मेरा ड्रीम रोल बलराम होता तो बलराम के बाद फिर अब जब मैं लक्ष, लक्ष्मण कर रहा हूँ तो मेरे पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी है सिमिलर कैरेक्टर प्ले करने की तो कहीं ना कहीं मैं अपना ड्रीम जी ही रहा हूँ